है, मतलब उनमें सम सॉर्ट ऑफ अंडर ओनरशिप है। सो जो स्टॉक मैंने चुना है वो है हिंदुस्तान कॉपर, हिंद कॉपर, एनएससी कैश का रेट कह रहा हूँ, 269 के आसपास चल रहा है। तो ये स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्मर है मार्केट का, और लास्ट दो वीक में साइडवेज रहा है, और कल उतना नहीं गिरा कंपेयर टू मार्केट। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 263 के स्टॉप से खरीदारी करनी चाहिए, और 288 का अपसाइड में टारगेट होगा जो इसका यू नो 5 जैन का हाई है। तो मुझे लगता है मेटल्स आर टर्निंग आउट टू बी गुड वन। हिंडाल्को ऑलरेडी करेक्टेड है, जिंदाल स्टील इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेंथ। तो मुझे लग रहा है, शायद मैं मॉर्निंग में आपको ही सुन रहा था कि यू नो चाइना में जो मेटल के प्राइसेज है उनमें काफ़ी अच्छी तेजी देखी गई है। तो मेटल स्टॉक्स आर लाइकली टू डू गुड अगर इफ एट ऑल मार्केट पुल बैक अलॉट। सो हिंद कॉपर की सलाह होगी 263 का स्टॉप लॉस, 288 का टारगेट, फ्यूचर में खरीदारी कर सकते हैं। तो वायदा कारोबार के भी बैन में नहीं, आई थिंक परसों वायदा बैन से बाहर आ गया था, तो उसका भी इंपैक्ट आपको दिख ही रहा है। स्टॉक में भी एक्शन है, आज मेटल्स वैसे भी लीडर।